चलिए तो हम मैप पर देखते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले भारत की सर्वाधिक सीमा हम जानते हैं कि बांग्लादेश के साथ टच होती है, तो हम देखते हैं कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। ये वाला हिस्सा जो है भारत के मैप में, ये है बांग्लादेश, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में BN लिख देता। देखिए तो जम्मू कश्मीर की सीमा में जो परिवर्तन आया है वो इस प्रकार है कि अब जम्मू कश्मीर केवल इस हिस्से को कहा जाएगा और शेष पूरे हिस्से को लद्दाख के नाम से जाना जाएगा। अब हम देखते हैं भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। आप सभी ये मैप पर अपने साथ एटलस पर देखते चलिए और याद करते चलिए और कोशिश करिए कि आप नोट डाउन भी करते चले। हालांकि डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको इसका PDF कॉपी अवेलेबल करा दूंगा। यदि हम यहाँ से स्टार्ट करें तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला भारत का पहला राज्य पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा लगभग यहाँ तक जाती है। उसके पश्चात दूसरे नंबर पर असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पाँचवा मिजोरम। यानी बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं जो आपको मैप पर याद करने हैं। अगर हम इधर से स्टार्ट करें इसको पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें एक और फैक्ट हम जोड़ देते हैं, बांग्लादेश के साथ भारत की का कोई राज्य अगर सर्वाधिक सीमा बनाता है तो वो है पश्चिम बंगाल। यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो है पश्चिम बंगाल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग मैप पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। 5 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। अब हम बात करें यदि चाइना की, चीन की, तो ये पूरा हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये यहाँ तक, ये इसे हम चीन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो चीन 31 अक्टूबर 2019 से पहले हमारा जम्मू कश्मीर भी चीन के साथ सीमा बनाता था, पर अब जम्मू कश्मीर जो है वो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसकी जगह करता है लद्दाख। चीन के साथ हमारी कुल सीमा कितनी है, लगभग 3400 किलोमीटर। देखिए तो चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। देखिए 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व भारत के 5 राज्य चीन के साथ सीमा बॉर्डर शेयर करते थे, जो थे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो अब चीन के साथ 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं, जो इस प्रकार है। हम यदि मैप में देखें तो सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद ये नेपाल वाला हिस्सा आ जाता है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है, यानी UT है, और उसके अलावा 4 अन्य राज्य है। तो चीन के साथ जो है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जो क्रम में देखें हम तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यदि हम देखें कि चीन के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य शेयर करता है, तो वो एक राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ सर्वाधिक लगती थी, परंतु अब लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है वो चीन के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, ठीक है। तो ये थी चीन की बात। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे देश यानी पाकिस्तान की तरफ। देखिए मैं पाकिस्तान का एक रफ आउटलाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। इसके साथ हमारी लगती है लगभग 3300 किलोमीटर बॉर्डर। देखिए तो जम्मू कश्मीर जब एक राज्य हुआ करता था 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व, तब जम्मू कश्मीर के साथ 3 अन्य राज्य थे जिसकी पाकिस्तान से सीमा लगती थी, परंतु जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो जाने के पश्चात अब भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो अब बदल चुकी है, भारत के साथ अब पाकिस्तान के साथ अब भारत के 4 राज्य सीमा नहीं बनाते हैं बल्कि 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अगर इनका क्रम देखें हम तो यहाँ से स्टार्ट करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
यानी भारत की वो राज्य जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं वो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें तीन राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और दो केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बताने जा रहा हूँ। 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य था जम्मू कश्मीर, परंतु जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इस सीमा में परिवर्तन आया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो बन चुका है अब राजस्थान। याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान। तो इस प्रकार भारत के तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। आप सभी मैप पर ये देखते चल रहे होंगे, ऐसा मुझे आशा है। आगे बढ़ते हैं हम अगले देश की ओर, नेपाल। हमने अभी तक तीन देशों की चर्चा करी है, बांग्लादेश के साथ भारत के पांच राज्य सीमा बनाते हैं, चीन के साथ भारत के पांच राज्य सीमा बनाते हैं, या चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के तीन राज्य और दो केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नेपाल की। देखिए, नेपाल यहाँ पर चीन और भारत के मध्य स्थित एक बफर स्टेट है। तो नेपाल के साथ भारत के जो जो राज्य सीमा बनाते हैं, देखिए नेपाल के साथ कुल 1751 यानी 1751 किलोमीटर्स बॉर्डर हम शेयर करते हैं। नेपाल के साथ भारत के कुल पांच राज्य सीमा बनाते हैं, जिसे हम यहाँ से देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। देखिए, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा बनाता है। कई बार जिन लोगों ने मैप का अध्ययन नहीं किया होता है वो पश्चिम बंगाल को नेपाल के साथ सीमा बनाना स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए मैप ऐसी चीज़ है जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जब तक आप बाउंड्रीज को विजुअलाइज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आपको दिखने नहीं लगेगी वो बाउंड्रीज, तब तक आप उसको नहीं याद कर सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो नेपाल के साथ भारत के पांच राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, नेपाल के साथ भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो है उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की दृष्टि से, मैं बार बार आपको इस वीडियो में कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की दृष्टि से पश्चिम बंगाल एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, नेपाल, अगर नेपाल की हम स्थिति के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, नेपाल चीन और भारत के मध्य स्थित एक बफर स्टेट है जो हमेशा से दोनों ही देशों के मध्य उलझा रहता है, कभी इस पार तो कभी उस पार। अब हम बात करते हैं अगले देश की, म्यांमार। देखिए, म्यांमार के साथ हमारी कुल सीमा लगती है 1643 किलोमीटर, यानी कि 1643 किलोमीटर। भारत के चार राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, यदि उनका हम क्रम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। एक बार फिर से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो म्यांमार के साथ भारत के चार राज्य सीमा बनाते हैं जो हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं हम भूटान की ओर। भूटान के साथ हमारी लगभग 699 किलोमीटर बॉर्डर शेयर होती है। भूटान के साथ भारत के चार राज्य सीमा बनाते हैं। देखिए, यहाँ से देखेंगे हम तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान रखिएगा, भारत के चार राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा नेपाल से भी लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान से भी लगती है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, ये चार राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये कि भूटान के साथ भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक सीमा बनाता है, वो है असम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हमने अभी तक देखा बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, उसके बाद पाकिस्तान, म्यांमार और भूटान के बारे में। अब जो एक विवादित सीमा हमारी रहती है वो है अफगानिस्तान के साथ।
देखिए जम्मू कश्मीर जो अब रहा नहीं है, एक्चुअली वो हो गया है लद्दाख। तो हम ये क्षेत्र जो है इस पर पाकिस्तान ने 26 अक्टूबर 1947 को अवैध रूप से कब्जा कर लिया था, जिसे हम जानते हैं पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख के नाम से। जो पूर्व में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था, अब है पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख के नाम से। यदि भारत को, भारत में इस हिस्से को भी शामिल किया जाए तो भारत का मात्र एक केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है जो 106 किलोमीटर की, और वो प्रदेश है, वो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। तो भारत का केवल एक केंद्र शासित प्रदेश अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है जो है लद्दाख। तो ये हमने बात करी है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में कि भारत का कौन सा राज्य किस अन्य प्रदेश के साथ, भारत का राज्य किस अन्य देश के साथ सीमा बनाता है। बताना चाहूँगा कि भारत के चार ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। और इसके अतिरिक्त हम ये बात भी जानेंगे कि भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, कौन से राज्य न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत के कितने राज्य कितने देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के चार ऐसे राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम देखें पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल कौन कौन से तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, हमने देखा है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। पश्चिम बंगाल तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। दूसरा राज्य हम देखें जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, तो वो है हमारा चिकन नेक यानी कि सिक्किम। आप सभी को याद होगा बहुत महत्वपूर्ण एक विवाद भारत और चीन के मध्य रहा है डोकलाम, वो यहीं पर पड़ता है सिक्किम में, सिक्किम के उत्तर में। हम जब अभी भौगोलिक भाग देखेंगे भारत का, तो उसमें आपको मैं मैप पर वो पूरा क्षेत्र दिखाऊंगा। तो सिक्किम भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल, भूटान और चीन। तो पहला हमने देखा पश्चिम बंगाल, दूसरा सिक्किम, सिक्किम बनाता है नेपाल, भूटान और चीन के साथ। तीसरा राज्य जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है वो है लद्दाख, लद्दाख यानी कि अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। लद्दाख भी तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन। पूर्व में ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, जम्मू कश्मीर अब सिर्फ एक देश के साथ सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। इसके अलावा एक और स्टेट है जो तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को यदि आप देखेंगे तो नीचे की ओर से म्यांमार से उसकी सीमा लगती है, ऊपर की ओर चीन से और इस ओर से भूटान से। तो हमने ऐसे चार राज्य देखे जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, आइए देखते हैं वो राज्य कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम देखें उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड इस ओर से चीन के साथ सीमा बना रहा है और इस ओर से नेपाल के साथ सीमा बना रहा है। तो उत्तराखंड ऐसा एक राज्य है जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है, वो है नेपाल और चीन। इसके अतिरिक्त यदि हम मिजोरम की बात करें तो आप देखिए मिजोरम इस ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है और इस ओर से म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। तो मिजोरम भी ऐसा एक राज्य है जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है। इसके अतिरिक्त तीसरा राज्य जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है वो है असम। देखिए असम इस ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है और उस ओर से भूटान के साथ सीमा बना रहा है। और हमने पढ़ा था कि भारत की भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, असम। तो असम की सीमा भी दो देशों से लगती है, भूटान और बांग्लादेश से। तो इस प्रकार भारत के चार राज्य हैं जो तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ये चार राज्य कौन कौन से हैं, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश। और भारत के तीन ऐसे राज्य हैं जो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं, ये कौन कौन से राज्य हैं, मिजोरम, असम और उत्तराखंड। ये कुछ सामान्य जानकारी थी। अब भारत के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, यानी भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक किसी देश के साथ सीमा बनाता है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है भारत के सभी राज्यों में। देखिए अब इसमें भी थोड़ी सी क्लिष्ट जानकारी हो गई है ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने के बाद। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो बनाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, भारत के सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य या हम कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यदि दोनों को संयुक्त रूप से देखा जाए। परंतु अब ये राज्य भी नहीं है और स्प्लिट हो चुके हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। अब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो है, राज्य याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश नहीं, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना, तो वो है अब पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल। अगर केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ लिया जाए तो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है लद्दाख।
इसके अतिरिक्त देखिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, तो तीन राज्यों के नाम मैं आपको बताता हूँ जो लोएस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, वो है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड। देखिए लोएस्ट, अगर इन तीनों में से भी लोएस्ट इन तीनों में से भी लोएस्ट बाउंड्री शेयरिंग देखी जाए तो वो है नागालैंड। नागालैंड भारत का वह राज्य है जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। नागालैंड के बाद दूसरे स्थान पर है हिमाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर है सिक्किम। हालांकि सिक्किम तीन देशों के साथ सीमा बनाता है, पर सिक्किम भारत का तीसरा सबसे न्यूनतम, सबसे लोएस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाला स्टेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि भारत के साथ किन किन देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं, कौन से राज्य किस देश को छूते हैं। अब हम देखते हैं ये जितनी भी सीमाएं हैं उनका निर्धारण कब किया गया, उन्हें क्या नाम दिया गया, उनकी लंबाई कितनी है और इन सीमाओं की रक्षा कौन सी सिक्योरिटी फोर्स करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। देखिए जब 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं उसे बंटवारे के समय पूर्वी पाकिस्तान नाम दिया गया था। यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो इसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान और इस क्षेत्र को कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और एक नया देश बना जिसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, शिमला समझौता, उसके बारे में हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो भारत पाकिस्तान यानी भारत और पश्चिमी पाकिस्तान और भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य 17 अगस्त 1947, इंपॉर्टेंट डेट है 17 अगस्त 1947 को एक सीमा निर्धारित की गई जिसे नाम दिया गया रेडक्लिफ लाइन। ये सीमा अगर हम भारत और पाकिस्तान के मध्य या उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य देखें तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये लाइन आपको जो ब्लैक दिख रही है, उसके अलावा यहाँ राजस्थान में और इसके अतिरिक्त आगे बढ़ के गुजरात तक। याद रखिएगा मैं अभी इस वाले भाग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये भाग अभी भी पाकिस्तान के पास है जिसे हम बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख। और इस भाग और भारत के मध्य जो सीमा है उसे एक काल्पनिक सीमा बनाया गया जिसे हम जानते हैं LOC के नाम से, हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रेडक्लिफ लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडक्लिफ लाइन जो है वो इस प्रकार से है, यहाँ पंजाब से शुरू होकर गुजरात तक भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है उसे रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। इसकी कुल लंबाई है लगभग 3300 किलोमीटर, हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा की थी। तो रेडक्लिफ लाइन का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य किया गया था जिसकी कुल लंबाई है भारत और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य लगभग 3300 किलोमीटर। अभी यदि हम बात करें भारत और ईस्ट पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो आज की तारीख में बांग्लादेश है, इस सीमा रेखा को भी रेडक्लिफ लाइन नाम से जाना जाता है और हम जानते हैं कि इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। यहां पर जो रेडक्लिफ लाइन है उसकी लंबाई है और यहां इसकी लंबाई है 4096। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की ये सीमा रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। अब देखिए भारत का पाकिस्तान के साथ ये हिस्सा भी लगता है पर इसे हम रेडक्लिफ रेखा के नाम से नहीं जानते। पहले तो वर्तमान में कैसा हो गया मैं आपको बता देता हूँ कि अब केवल इतना भाग जो है वो जम्मू कश्मीर रहा है और ये पूरा भाग हो चुका है लद्दाख। अब देखिए लद्दाख का जो इतना हिस्सा है ऊपर का और कश्मीर का लगभग इतना हिस्सा, ये अब भी पाकिस्तान के पास है जिसे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा रखा है और इसे हम जानते हैं वर्तमान में POL या POK के नाम से, पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख और भारत के बीच में जो सीमा है उसे हम जानते हैं LOC के नाम से, ये जो सीमा है इसे हम जानते हैं LOC
सी के नाम से। इस सीमा का निर्धारण जो है वो जब भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ था 1947 में तब किया गया था, और इस सीमा की लंबाई लगभग 740 किलोमीटर है, 740 किलोमीटर्स। याद रखिए कि इस सीमा का निर्धारण जरूर 1947 में किया गया था, पर जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य पुनः युद्ध हुआ तो इस सीमा का वर्तमान स्वरूप जो है, यानी कि आज LOC जिस प्रकार की है उसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 1972 में आया था शिमला समझौते के बाद, और शिमला समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य 30 जुलाई 1972 को, जिसके बाद LOC का वर्तमान स्वरूप आया। एक बार फिर से मैं LOC के बारे में आपको सब कुछ बता देता हूँ। LOC का निर्धारण भारत और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर तत्कालीन और वर्तमान भारत और पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख के मध्य सर्वप्रथम 1947 में किया गया था, और इसका जो वर्तमान स्वरूप है वो 30 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के बाद आया था। तो ये बात हुई भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमाओं की। हालांकि अब जो ईस्ट पाकिस्तान जिसे हम जानते थे वो हो चुका है बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश और भारत और पाकिस्तान जो है इन दोनों की सीमाओं को हम जानते हैं रेडक्लिफ नाम से, और भारत और पाक ऑक्यूपाइड लद्दाख के मध्य जो सीमा है उसे हम जानते हैं LOC के नाम से। अब ध्यान रखिए कि रेडक्लिफ लाइन और LOC इन दोनों जगह जो सुरक्षा बल लगता है वो है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का गठन 1965 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं भारत और चीन की सीमा के मध्य। तो देखिए चीन के साथ भी हमारी दो प्रकार की सीमाएं हैं। सर्वप्रथम मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, इस सीमा का निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसके साथ जो चीन की सीमा बनती है उसे हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से। याद रखिएगा भारत का केवल ये जो भाग है इस सीमा को हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से। इसकी कुल लंबाई लगभग 885 किलोमीटर्स है। और यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो है ITBP। यहाँ रेडक्लिफ लाइन पर जो फोर्स लगती थी उसका नाम था BSF। इसका गठन हुआ था 1965 में। याद रखिएगा ITBP जो है इसका गठन जब भारत और चाइना का वॉर हुआ था जिसे इंडो सिनो वॉर कहते हैं 1962, उसके पश्चात ITBP का गठन किया गया था 24 अक्टूबर 1962 को। तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है उसके साथ चाइना की जो बॉर्डर लगती है उसका गठन हुआ था 27 अप्रैल 1914 को सर हेनरी मैकमोहन द्वारा, और इसकी कुल लंबाई है 885 किलोमीटर। इसकी सुरक्षा करती है ITBP जिसका गठन हुआ था 1962 में। अब भारत की जो चीन के साथ अन्य सीमा है, यानी कि यहाँ से लेकर, यहाँ हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, सिक्किम की बात करें, तो यहाँ की जो सीमा है उसे हम जानते हैं LAC के नाम से, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये सीमा जो है, अब एक बात और हमें पता है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर था उसका कुछ हिस्सा अभी भी चाइना के पास है, वो जो लगभग जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, ये भाग है यहाँ पर कुछ इस प्रकार। तो इस भाग में और यहाँ से लेकर ये जो सीमा है इसे हम जानते हैं LAC के नाम से। मैं मैप पर ये सीमा ड्रॉ कर देता हूँ। ये है LAC। इसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, और इस LAC का निर्माण भी 1962 को भारत और चाइना युद्ध के पश्चात किया गया था। और यहाँ पर भी तैनात होती है ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर प्रोटेक्शन फोर्स। तो हमने बात करी भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा की, भारत और चाइना के मध्य की सीमा की। अब हम बात करते हैं भारत और नेपाल के मध्य की सीमा की। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ये है भारत और नेपाल की सीमा, जिसे रेडोलिफ नाम से जाना जाता है।
ध्यान रखिएगा, आपको किसी भी पुस्तक में भारत और नेपाल की सीमा का ये नाम पढ़ने को नहीं मिलेगा। भारत और नेपाल के मध्य की जो सीमा है उसे रेडोलिफ नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण 1816 में किया गया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो 1947 में आया था और इसकी लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। और यहाँ पर भी सुरक्षा ITBP द्वारा की जाती है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक कौन कौन सी सीमाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने देखा भारत और पाकिस्तान के मध्य, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मध्य सीमा लगती है उसे हम जानते हैं रेड क्लिफ नाम से, जिसका निर्माण किया गया था 1947 में और इसकी सुरक्षा करती है BSF। भारत और बांग्लादेश के मध्य भी रेड क्लिफ लाइन है जिसकी सुरक्षा भी करती है BSF। और भारत और पाकिस्तान का जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला हिस्सा है उसके मध्य जो सीमा है उसे हम जानते हैं LOC के नाम से, जिसकी सुरक्षा भी करती है BSF। भारत और चाइना के मध्य भी दो सीमाएं हैं। भारत का अरुणाचल प्रदेश वाला जो भाग है वहां पर जो सीमा है उसे हम जानते हैं मैकमोहन लाइन के नाम से, जिसका निर्धारण किया गया था 1914 में। यहाँ पर 1962 जो लिखा है वो ITBP का स्थापना वर्ष है। इस सीमा का निर्धारण जो है वो किया गया था 1914 में। तो और इस सीमा की सुरक्षा भी ITBP करती है, जिसका गठन किया गया था 1962 में। और भारत और चाइना के मध्य एक और लाइन है जिसे हम जानते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से। ये यहाँ लद्दाख से शुरू होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तक विस्तारित है। इसकी सुरक्षा भी करती है ITBP और इस सीमा का निर्धारण किया गया था 1962 में। भारत और नेपाल की सीमा के मध्य की बात करें तो ये लगभग 1800 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसे जाना जाता है रेडोलिफ सीमा के नाम से। इसका निर्धारण 1816 में किया गया था, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 1947 में आया। अब एक और महत्वपूर्ण रेखा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको किताबों में पढ़ने को शायद न मिले। देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि भारत का एक राज्य जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप एटलस आपके पास होगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एक राज्य है भारत का जिसका नाम है त्रिपुरा, और ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा की सीमा जो बांग्लादेश से लगती है हम उसे जानते हैं त्रिपुरा जीरो लाइन के नाम से। इस सीमा को हम जानते हैं त्रिपुरा जीरो लाइन के नाम से, और इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। अब इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले मैं बता दूं, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य की जो सीमा है उसे हम जानते हैं त्रिपुरा जीरो लाइन के नाम से। भारत का वह राज्य जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है वो है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत की एकमात्र ऐसी किसी राज्य की राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एक ऐसी राजधानी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे निकट स्थित है, और इस सीमा को जाना जाता है त्रिपुरा जीरो लाइन के नाम से। चलिए अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों की सीमाओं के बारे में। कई बार परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक अन्य राज्यों को छूता है, या भारत का वह कौन सा राज्य है जो न्यूनतम राज्यों को स्पर्श करता है। तो इन सभी के बारे में हम जानते हैं। देखिए, भारत का वह राज्य जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है वो है उत्तर प्रदेश। भारत के मैप पे आप देखेंगे तो ये जो राज्य है इसे हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के नाम से। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कुल 9 राज्यों से लगती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला स्टेट है। इसकी सीमा 9 दूसरे राज्यों से लगती है। वो 9 राज्य दूसरे कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना चाहिए, मैं बता देता हूँ। यहाँ देखेंगे आप पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश। कई बार अगर आप मैप में एटलस में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हुई आपको नहीं दिखेगी, पर ऑथेंटिक सोर्स से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की सीमा हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यहाँ दिल्ली यहाँ बहुत छोटा सा है, आपको शायद यहाँ मैप पर नहीं दिखे, आप एटलस में देखेंगे तो दिल्ली, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 9 राज्यों से लगती है, जो अगर हम क्रम में देखें तो
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार है। देखिए, ये फैक्ट जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपको किसी भी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर देखेंगे अगर 2018 का, तो उसमें इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब उत्तर प्रदेश के बाद असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक अन्य राज्यों से लगती है। असम की सीमा कुल 7 अन्य राज्यों से लगती है। सबसे पहले हम देखते हैं मैप पर असम कहाँ है। आप सभी लोग एटलस में यदि भारत के नक्शे को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको भारत के सभी राज्यों की स्थिति याद हो जाएगी, और विशेषकर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है उसकी स्थिति याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं मैप पर, ये राज्य जो आपको दिख रहा है ये है असम। तो असम की सीमा 7 अन्य राज्यों से लगती है। हम देखते हैं वो 7 अन्य राज्य कौन कौन से हैं। यदि हम देखें पहले नंबर पर ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का विस्तार यहां तक है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चात दूसरे नंबर पर है नागालैंड, तीसरे नंबर पर मणिपुर, चौथे नंबर पर मिजोरम, पांचवें नंबर पर त्रिपुरा और छठे नंबर पर मेघालय और सातवें नंबर पर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने एटलस अपने साथ खोल रखा होगा, तो आपको ये सभी स्टेट नाम के साथ मिल जाएंगे। तो असम की सीमा 7 अन्य राज्यों से लगती है जिनके नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसके बाद यदि हम देखें तो दक्षिण भारत का एक राज्य कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है, और हम जानते हैं कि कर्नाटक दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी सीमा लगभग दक्षिण भारत के सभी राज्यों को छूती है। तो कर्नाटक की सीमा कुल 6 अन्य राज्यों से लगती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर है कर्नाटक, कर्नाटक की सीमा 6 अन्य राज्यों को लगती है जो इस प्रकार है। सबसे पहला महाराष्ट्र, 2014 में नवीन गठित तेलंगाना, पहले ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, तो कर्नाटक की सीमा 5 राज्यों से लगती थी पर अभी हो गए हैं 6। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और यहाँ पर एक बहुत छोटा सा राज्य आपको दिख रहा है ये है गोवा। तो कर्नाटक की सीमा कुल 6 राज्यों से लगती है जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और गोवा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्नाटक भारत के मैप में दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब कर्नाटक के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सीमा 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। आइए मैप पर देखते हैं ये राज्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और यहाँ पर गोवा से लगती है। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ, महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। इसके अलावा यदि आप देखेंगे मैप पर यहाँ पर एक बहुत छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश आपको मिलेगा जिसका नाम है दादर और नागर हवेली, इसके साथ भी महाराष्ट्र की सीमा लगती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण राज्य थे जिनकी सीमाएं याद करना हमें बहुत जरूरी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, असम की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, कर्नाटक की सीमा किन किन राज्यों से लगती है और महाराष्ट्र की सीमा किन किन राज्यों से लगती है। एक और महत्वपूर्ण राज्य है जिनकी सीमाओं के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, वो है तेलंगाना। चूंकि तेलंगाना का निर्माण 2014 में हुआ है और इसकी सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो पूछा जा सकता है कि तेलंगाना की सीमाएं किन किन राज्यों से लगती है। तो आइए हम देखते हैं कि तेलंगाना किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखिए भारत के मैप पर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं तेलंगाना को शॉर्ट फॉर्म में TL के नाम से लिख रहा हूँ। तो तेलंगाना की सीमा 4 राज्यों से लगती है। देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा तेलंगाना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के नवीन गठित राज्यों में से एक है। तेलंगाना की सीमाएं 4 राज्यों से लगती है जो है महाराष्ट्र,
छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। याद रखिएगा, तेलंगाना की सीमा किसी भी परिस्थिति में उड़ीसा को नहीं टच कर रही है। कुछ मैप जिन पर गलत डायमेंशन दिया होता है उसमें तेलंगाना की सीमा उड़ीसा के साथ भी बताई गई है, जबकि उड़ीसा के साथ तेलंगाना की सीमा नहीं लगती है। अब जब हमने तेलंगाना की बात करी है तो भारत के दो नवीन गठित केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं का अध्ययन करना भी आवश्यक है। हम सभी जानते हैं कि अब कश्मीर का स्वरूप कुछ इस प्रकार का है और ये पूरा हिस्सा जो है इसे हम जानते हैं लद्दाख के नाम से, जम्मू एंड कश्मीर, और ये है लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो भारत के दो राज्यों के साथ लगती है, जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की सीमा केवल भारत के दो राज्यों के साथ लगती है, जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसलिए देखिए, आपके जम्मू कश्मीर में जब भी तनाव रहता है उसका असर पंजाब और आसपास के एरिया में भी पड़ता है, जैसे पठानकोट और उन सभी के बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लगती है। राज्य है पंजाब और ये है हिमाचल प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर की सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों से लगती है, जबकि लद्दाख की सीमा सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश से लगती है। चलिए अब हम देखते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा न्यूनतम अन्य राज्य से लगती है। भारत में दो ऐसे राज्य है जिनकी सीमा केवल और केवल एक ही राज्य से लगती है। तो वो दो राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले यदि हम देखें सिक्किम, जिसको हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, ये है सिक्किम। सिक्किम की सीमा सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगती है। हम सभी ने मैप में पहले भी देखा था, ये है पश्चिम बंगाल। तो ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके साथ सिक्किम की सीमा लगती है। इसके अतिरिक्त मेघालय, बहुत इंपॉर्टेंट, सिक्किम के बारे में आप सभी कहीं ना कहीं पढ़ लेते होंगे पर मेघालय के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। मेघालय भी भारत के केवल दो ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा एक ही राज्य से लगती है, उनमें एक मेघालय की सीमा तीनों ओर से असम से लगती है। तो मेघालय भी एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ असम से लगती है, और ये है असम। ठीक है, तो सिक्किम और मेघालय ऐसे दो राज्य हैं जिनकी सीमा भारत के न्यूनतम राज्यों से छूती है। अब हम देखते हैं कि भारत के क्षेत्रफल के अनुसार 10 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, और यदि आपने इन राज्यों के नाम पहले नहीं पढ़े हैं तो यकीन मानिए आपके लिए ये नाम चौंकाने वाले होंगे। तो देखते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 10 सबसे बड़े राज्य। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा राज्य हम जानते हैं पहले नंबर पर, वो है राजस्थान। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। दूसरा सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र। चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, एरिया के अनुसार यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार बाय एरिया उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा सबसे बड़ा राज्य है, परंतु जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो चार सबसे बड़े राज्य, सबसे पहले राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक। सातवां आंध्र प्रदेश। आठवां उड़ीसा। नौवां छत्तीसगढ़। देखिए, ये बहुत चौंकाने वाला, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ जो है वो भारत का नौवां सबसे बड़ा राज्य है, और छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल तमिलनाडु से और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल से, बिहार से, तमिलनाडु से, इन सभी राज्यों से बहुत ज़्यादा है। तो दसवां जो सबसे बड़ा राज्य है वो है तमिलनाडु। तो भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के बारे में यदि हम देखें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश,
पांचवा गुजरात, छठा कर्नाटक, सातवा आंध्र प्रदेश, आठवा उड़ीसा, नौवा छत्तीसगढ़ और दसवा तमिलनाडु। बात करते हैं नेफा की, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था। देखिए, नेफा का पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। 1914 से हालांकि ये अलग अलग स्वरूप में रहा है, पर भारत की आज़ादी के पश्चात 1951 में आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग, असम का कुछ भाग और यानी उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ कुछ भागों को मिलाकर एक राज्य बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था नेफा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। कब गठित किया गया था? 1951 में। परंतु जब 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश को एक राज्य के रूप में गठित किया गया, तब नेफा को खत्म कर दिया गया। परीक्षा की दृष्टि से नेफा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। इसका गठन 1951 में किया गया था और विघटन 20 जनवरी 1972 को कर दिया गया था। नेफा का पूरा नाम है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। बात करते हैं एनसीआर की, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। देखिए, कुछ ऐसे छोटे छोटे से फैक्ट है जो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं और इसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है। तो देखिए, 1 फरवरी 1992 को दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों के कुछ जिलों को मिलाकर एनसीआर का निर्माण किया गया था, जिसे हम जानते हैं नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से। एनसीआर में दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लगभग 24 जिले शामिल हैं। राजस्थान के वर्तमान में इसमें केवल 2 जिले ही शामिल हैं, जिनका नाम है अलवर और भरतपुर। इसके अतिरिक्त हम दूसरे राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण जिलों की बात करें जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हरियाणा का फरीदाबाद, गुड़गांव, उत्तर प्रदेश का नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद भी एनसीआर में शामिल है। आप मैप में देख सकते हैं एनसीआर को। दिल्ली के अतिरिक्त हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और राजस्थान के 2 जिले यानी कि अलवर और भरतपुर इसमें शामिल है। एनसीआर का निर्माण 1 फरवरी 1992 को किया गया था। इसके अतिरिक्त हमने जिक्र करा है नोएडा का, आप मैप पे देख सकते हैं, जिसे गौतम बुद्ध नगर के नाम से जाना जाता है, इसे आज नोएडा के नाम से जाना जाता है। नोएडा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका ये एक इंडस्ट्रियल एरिया जिसका औद्योगिक क्षेत्र के रूप में 1976 में गठन किया गया था। तो परीक्षा की दृष्टि से नोएडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नोएडा का फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको 1976 में बनाया गया था। वर्तमान में ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।